हे नमस्कार जय हिंद। तो अपने फैमिली चैनल की एक खासियत होती कि ना कोई मेकअप ना कोई स्टूडियो, जब जहाँ जैसे मर्जी आके कुछ भी बोल दें, वही बस दिल की आवाज़ दिल तक पहुँचनी चाहिए। तभी अपना एक पारिवारिक चैनल है रॉयल सोल्जर। आपको वीरा का भतीजे का मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उसने बताया कि जो है जनता जिस दिन कर्फ्यू है उस दिन क्या क्या हम लोगों को सबको करना है, उसका क्या अमेजिंग था। और आप लोगों ने इतना शेयर किया हर एक मेरे प्लेटफॉर्म से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है इस वीडियो को चलने के बाद इसको लगने लगा है ये कोई मतलब देश की इतनी बड़ी हस्ती है, छोटी सी बच्ची 7 साल की वीरा, कि मानो ये जो कहेगी तो लोग उसको फॉलो करेंगे, इसको सच में ऐसा लग रहा है। तो आज इसने ऐसी खाना खाते खाते एक वीडियो बनाया और अपनी मम्मी को बोला कि जो है संदीप मौसा जी को ज़रूर भेजना, वो अपने चैनल पे इसको दोबारा चलाएंगे और लोग मेरी बात माने बिल्कुल एंट के साथ। तो मैं चाहता हूँ भाई इसके इस वीडियो को पसंद करें और इसको प्लीज़ शेयर करें। और मुझे लगता है इस बच्ची की बात में पक्का दम और बड़ियों के पक्का जर्नलिस्ट बनने वाली, रिपोर्टर बनने वाली, पर अच्छी जर्नलिस्ट बनेगी। इसको मैं समझाऊंगा कैसे बनना है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद योर ओन फैमिली चैनल रॉयल सोल्जर्स। ने एक बहुत अच्छी बात कही है इस वीडियो में जो पक्का आपके दिल तक छू जाएगी, और छू जाए तो प्लीज़ उसको आगे शेयर कर दीजिएगा। लव यू ऑल गाइज, हैव अ लुक ऑन दिस अनदर वीडियो ऑफ वीरा। जैसे कल मोदी जी ने बोला था कि प्लीज अपनी बालकनीज में क्लैपिंग करें, अपने टेरेस में क्लैपिंग करें, हाँ बोला था ना। और मैंने भी कल रिक्वेस्ट करी थी, जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही क्यों नहीं कर रहे आप? मैं सही तो कर रही हूँ, कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। जैसे आपने अब सारे रोड पे आ गए सारे, मैंने बोला था ना कि प्लीज रोड पे मत जाना, भीड़ में मत जाना। मेरी पूरी कंट्री फैमिली है, बस मेरे ब्रदर सिस्टर मम्मा पापा नहीं है मेरी फैमिली, मामू मामी नानू नानी ये नहीं है मेरी फैमिली, बस मेरी पूरी कंट्री फैमिली है, पूरी कंट्री। देखो इटली ने सीरियस नहीं लिया, इसलिए देखा कितनी डेथ हो रही है उस पर। चाइना ने छुपा लिया कि उसमें कोरोना वायरस भी कुछ होता है, उसने छुपा लिया, इसलिए ये उसमें बहुत सत्य पड़ गया था, नवंबर से है उसमें। और अब देखो खत्म हो गया, नवंबर से है और अब जाके खत्म हुआ है। देखो अगर इंडिया में ऐसा हाल हो गया ना, कोई संभाल नहीं पाएगा इस चीज को। अरे कोई जरूरी चीज के लिए बाहर जाओ, ऐसे वैसे ही चले जाओगे आप तो, ऐसे वैसे ही चले जाओगे आप तो, ऐसे वैसे ही चले जाओगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। हाँ मेरी जैसा करिए, जैसे कि मैंने अपने बालकनी में क्लैपिंग करी, आपने वैसा क्यों नहीं करा? फिर कोरोना वायरस किसी के पास फैलेगा भी नहीं, आज से तो नहीं फैलेगा। अरे हर 10 पीस में पेस्ट सैनिटाइजर लगाओ, हैंड वॉश करो यार। और जिसको खांसी नहीं है उसको मास्क ही नहीं लगाना। तो इस प्यारी छोटी गुड़िया वीरा की बात जहन तक पहुंची हो तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि उन सब तक ही एक मैसेज मिले कि जो है ये जो आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, जो डिस्टेंस बनाने की जो बात की जा रही है, दुकान पे भी जाएं तो कम से कम 2-3 मीटर का डिफरेंस रखें लोगों से, और साथ ही साथ जब गैदरिंग में कोशिश करें 4-5 से ज़्यादा लोग जहाँ पे वहाँ से अलग हट जाएँ, भीड़ भड़ा के में ना जाएँ। छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोग अभी ऐसा कर रहे हैं, रोड पर उतर आ रहे हैं जनता कर्फ्यू के बाद, ये सब प्लीज़ ऐसा ना करें। हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत भूल चूक हुई हो, अगली बार से इसको सुधारें, सही करें, और अपने साथ साथ बाकियों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। और मैं कामना करता हूँ विश्व भर में भारत के साथ साथ हर कोई हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इस प्रॉब्लम से जो है उभर के आगे आए। पाकिस्तान कंट्री में भी जो है काफ़ी अच्छे लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, इंसान है तैयार। हिंदुस्तान भी बड़े जिगरे वाला कंट्री है, हम भी चाहते हैं हमारा पड़ोसी देश चाहे हमको जितना मर्जी दुश्मन समझे, पर हम कामना करते हैं कि आप लोग भी जो है अपनी फैमिली के साथ सही रहें, सुखी रहें, और एक भाईचारा और पॉजिटिविटी बना के रखें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग योर ओन चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। लव यू ऑल एंड शेयर दिस मैसेज एज मच एज यू कैन। जय हिंद।